वंस अगेन बैक, आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। तो मर्चेंट नेवी रिग प्लेटफॉर्म ऑयल एंड गैस का ये जो स्टोरी है फिर से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने 2015 के मिड में मैं कहाँ कहाँ काम करने के लिए गया और क्या क्या किया उसके बारे में एक वीडियो बनाया है। ये जो वीडियो है ये 2016 का वीडियो है, क्योंकि 15 मिड में मैं जून के महीने में मैं काम खत्म करके वापस आ गया और जो प्लेटफॉर्म था वो ब्रिटिश गैस का प्लेटफॉर्म था जो अभी शायद वहाँ से हट गया है, लेकिन 2015 में जब मैं काम कर रहा था वो बीजी के अंदर था और उस प्लेटफॉर्म का एरिया का नाम था पन्ना और एक और प्लेटफॉर्म उसके पास में मुक्ता करके, और जो मैं गया था काम करने के लिए वो पन्ना प्लेटफॉर्म में था इंडियन ओशन में। तो इंडियन ओशन या शायद गल्फ ऑफ ओशन में था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गए क्योंकि 7-8 साल पुराना बात है, लेकिन लाइफ बहुत ही अलग ही था वो एक्सपीरियंस। सुबह और शाम को बस हेलीकॉप्टर में जाओ, काम खत्म करो, 2 वीक का काम का। तो 2 वीक का काम खत्म होने के बाद मैं वापस आ रहा हूँ मुंबई में ऑफशोर में, ऑनशोर में जो मुंबई का मेरा जो हेड ऑफिस है जहाँ पर मुझे काम करना है वहाँ पर मैं वापस पहुँचता हूँ। वहाँ आने के बाद मुझे एक और न्यूज़ मिलता है कि आपको एक और नया प्रोजेक्ट के लिए हायर किया जाता है और आपको उस प्रोजेक्ट के लिए जाना है और वो प्रोजेक्ट कम से कम 2 से 3 साल का प्रोजेक्ट है। तो ये बात सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जब भी काम करने के बाद आओ फिर आप ब्रेक ले लो, घर पे जाके 2-3 महीना बैठो। ज़्यादातर शिफ्ट में क्या होता है कि जो भी जब काम खत्म करके आता है 6 महीना 7 महीना वो 2-3 महीने का ब्रेक लेता है फिर आता है, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं था। 2012-13 से जब से मैं ये फील्ड के अंदर घुसा हूँ मैं ब्रेक नहीं लेता था, 1-2 साल के बाद घर आने के, घर भी मैं सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए जाता था और वहीं से वापस जो भी डॉक्यूमेंटेशन करके तुरंत वापस आके ज्वाइन करता था शिप। शिप मतलब अकोमोडेशन बार, जो प्लेटफॉर्म ब्रेक जैसे फील्ड के अंदर काम करता है। तो 2016 का ये स्टोरी है, लेकिन 2015 एंड लगभग अक्टूबर एंड तक मुझे शिप पे वापस ज्वाइन करना है। जून में मैं ऑलरेडी काम खत्म करके वापस आ गया और जुलाई में मुझे इन्फॉर्म मिलता है कि आपको जाना है शिप पे। अब उसके लिए आपको जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपका मेडिकल है, वो फिर से कंटिन्यू होगा। तो ये बात सुन के तो मुझे लगा कि यार ये तो अलग ही है पूरा, फिर से आप हर बार जब भी आप प्लेटफॉर्म में जाओ फिर से मेडिकल करो, कितनी बार तो बॉडी में सुई घुसा के तब बहुत बार ब्लड चेक करो, यूरिन चेक करो, हर 6 महीने 7 महीने फिर एवरी ईयर में मेडिकल चेकअप होता ही है। तो यार ये सब बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन क्या करें, मजबूरी में काम करना पड़ता है। तो फिर से मुझे घर जाना पड़ा कुछ दिनों के लिए, 2 या 3 दिन के लिए गया, फिर से मैंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई किया, फिर से जुगाड़ उगाड़ लगा के जल्द से जल्द लेके वापस मैं चला गया। तो ऑलमोस्ट जो अगस्त तक महीने तक मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिया। अब सितंबर में हो गया पैकिंग पूरा और मानसून के टाइम में बहुत ही ज़्यादा रश होता है, लाइक रहता है ना, डिफिकल्टी बहुत रहता है, क्लाइमेट अलग होता है, आपको रूम में जाना अलग होता है, आपको रेलवे स्टेशन में जब मैं जाता था वहाँ पर ट्रेन पकड़ो, ट्रेन में तो यार बहुत जाम होता था, मानसून के टाइम में ट्रेन भी टाइम पे आता नहीं था, फिर आप वहाँ से आपको जाना पड़ता था रूम में चल के, फिर वो क्लाइमेट झेलो वो अलग, तो बहुत ही लाइफ में बहुत ट्रेजेडी हो गया, लेकिन एडजस्ट होता। रूम के जो सीलिंग था वहाँ से पानी टपकता था और रूम ओनर से मैं कुछ बोल नहीं सकता था, रूम का काफ़ी ही दिन महीने का पेमेंट पेंडिंग था, तो जो एडवांस दे के रखा था उसी से काम चल रहा था। बहुत कुछ स्टोरीज है, तो मुंबई का लाइफ स्टोरी थोड़ा ही मेरे लिए अलग ही था, लेकिन एडजस्ट करता गया। जून जुलाई निकल गया, अगस्त जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीना डिफिकल्टी में गया लेकिन निकल गया। अब हो गया सितंबर, सितंबर में ऑलमोस्ट पूरा सामान जितना भी था पैकिंग हो गया, एंड ऑफ सितंबर आ गया। अब जो कंपनी है प्लानिंग ये था कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में जाने की वजह से, लेकिन उस जो शिप है वो दुबई से वहाँ से निकला है और उसे इंडिया में पहुँचने में कम से कम 30-40 डेज लगता है, लेकिन वो शिप किसी टेक्निकल वजह से या फिर क्लाइमेट खराब होने की वजह से पहुँच नहीं पाया।
जुलाई अगस्त सितंबर का महीना काफ़ी गल्फ ऑफ ओशियन इंडियन ओशन में क्लाइमेट बहुत ही ख़राब रहता है, इसीलिए वो लेट हो गया। लेकिन वो फाइनली अक्टूबर मिड तक पहुंच गया और हम लोगों का प्लानिंग यही था कि अक्टूबर में कैसे भी करके साइन ऑन होना है, जितना भी हमारा सामान है जो भी है उसके साथ जाना। और मेरा जो पोस्ट, जो मेरा डेजिग्नेशन, वो मेरा स्किल्स जो डेवलप फिर से हो गया, जो मैं प्रीवियस पहले का जो मैं काम करता था, स्टोर कीपिंग, मटेरियल कोऑर्डिनेशन, मटेरियल कंट्रोलर, जो भी शिप का जितना भी प्रोजेक्ट है, प्लेटफॉर्म रिग का, उसका जितने भी मटेरियल था, सबका सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंडर आता था। मेरा काम था कि सही सलामत वही सामान जितना भी यूज़ होने के बाद उसका रिकॉर्ड सब क्लियर करके वही सामान को वापस शिप कंपनी में पहुंचाना है। तो मेरा मेन जो था, मुझे एक अलग से कंटेनर दिया, मेरा ऑफिस था, और तीन चार कंटेनर मेरे जितने भी मटेरियल थे, जो इक्विपमेंट्स थे वो दिए गए, और कम से कम 15-20 टूल बॉक्स थे, बड़े बड़े 4-5 सिलेंडर के रैक्स थे, और भी कई सारे इक्विपमेंट्स थे, जितना भी था सब मेरे अंडर में था। तो मुझे एक प्रॉपर पोजीशन मिला गया। और मेरा एक स्वभाव है कि जब भी मैं कोई फील्ड में काम करता हूँ, अपना असिस्टेंट या मैं कोई और आदमी के डिपेंड नहीं रहता। अपना प्रोजेक्ट है, मुझे अकेला हायर करो, मैं कर लूँगा। अगर साथ में रहेगा तो थोड़ा क्या वो एडजस्ट नहीं हो पाता है। मेरा जो बिहेवियर है काम करने का तरीका, मुझे अकेला करना पसंद है, क्योंकि आप अकेला करोगे तो उतना आपका रिस्क ज़्यादा है, टास्क उतना ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज़्यादा है। और मुझे क्या मज़ा भी आने लगा कि भाई आप काम करने मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है, अपना हेड है, तो कुछ भी रहेगा आप मुझसे पूछिए। आप किसी और ने अगर कुछ गलती किया तो वो भी मेरे ऊपर आएगा कि मैं सीनियर हूँ, इससे अच्छा मैं ही गलती करूँ, मैं ही गाली सुनूँ। तो ये कंपनी के जो भी मैनेजर होते थे, उन्होंने देखा कि यार ये अकेला काम करता है, इसके लिए काफ़ी है, तो वो जितना भी था वो मेरे ऊपर ठोक देते थे कि भाई तुम संभाल लो, तुम क्या क्या सामान चाहिए, क्या क्या लिस्ट चाहिए, हमें क्या क्या काम करना, सारा का सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, उसके हिसाब से आप सामान रेडी करो। तो मैं वन टाइम में जितना भी होता है, करोड़ों का सामान है, नॉट लाइक 1,000, 2,000, लाख, 2 लाख, करोड़ों का, 5-10 करोड़ का आराम से सामान भर के पड़ा रहता है शिप के अंदर। बहुत सारा सामान रहता है, बहुत महंगे महंगे इक्विपमेंट्स, छोटे से छोटे E&I के जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ना, वो भी कम से कम लाखों के होते हैं, ये मैंने खुद मेजर किया। और वहाँ पर जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट के सामान होते हैं वो तो अलग ही रेट है, उसका तो अलग ही हिसाब, वो भी बहुत खर्चा है। और आप ऊपर से कॉस्ट टैक्स वगैरह, रिटर्नेबल मटेरियल के टैक्स वगैरह, और कंज्यूमेबल के टैक्स वगैरह, वापस अगर आप सामान लेके आते हो उसका टैक्स बहुत ही एक्सपेंसिव है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं ये सब फेस करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, मुझे पता है करना क्या है। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है LEWPP। ये प्रोजेक्ट जो लोकेशन है उसका एक हॉरर स्टोरी है, लेकिन वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा, वरना नहीं तो वीडियो अलग पार्ट में बढ़ जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम है LEWPP, लाइफ एक्सटेंशन वेल प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है वो आज का MHN, जो कई सालों पहले 2005 में बॉम्बे था, बॉम्बे हाई नेटवर्क कहते थे, लेकिन आज वो MHN हो चुका है, मुंबई हाई नेटवर्क। ये गल्फ ऑफ ओशन में, इंडियन और पाकिस्तान ओशन के बॉर्डर में है, वहाँ पर एक सबसे पुराना और सबसे डेंजरस एक प्लेटफॉर्म है, जिसे 2012 में फिर से रिमामिंग किया, मतलब फिर से मॉडिफाई किया। और वहाँ पर एक 2005 में एक बहुत भद्दा सा हादसा हुआ था, एक हॉरर स्टोरी है, वो मैं बाद में बनाऊँगा। तो इस प्लेटफॉर्म में मैं पहली बार गया, वो प्लेटफॉर्म देख के थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि जो स्टोरीज जितने भी सुने थे ना, उसको पूरा वो लाइव जो एटमोसफियर था वो मैच कर रहा था। तो रात को अकेला घूमो, मतलब डरता है ना कि अगर यहाँ पर कुछ हादसा हुआ है, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उसी एरिया में अगर आप घूमते रहो तो कैसा फीलिंग रहेगा। तो ये फीलिंग मेरे साथ हो चुका है। तो जब मैंने स्टोरी सुना तो मैंने वो घूमना बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ पर हादसा हुआ सिर्फ उसके ऑपोजिट में खड़ा है। और मेरा क्या, रात को 12-1 बजे मैं थोड़ा हेलीपैड में सबसे टॉप में थोड़ा वॉकिंग करने के लिए जाता रहता हूँ, आफ्टर डिनर मील्स होने के बाद। तो फिर वहाँ पर क्या, अकेला आप रहते हो ना तो अकेले फीलिंग आता है। फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ के जो सेफ्टी है, जो कैप्टन है शिप का, वो खुद इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई रात को आप इस एरिया में नहीं घूमोगे, अकेला तो बिल्कुल नहीं तो फिर हम आपको वार्निंग देंगे। तो फिर वो बंद हो गया। फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे में जाता था एक्सरसाइज करने के लिए, और यार वहाँ पर एक फ्लेयर होता था, वो फ्लेयर की वजह से बॉडी पूरा टेम्परेचर हीट होता है, नहीं तो नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के महीने में काफ़ी ठंड है, -डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है शिप के अंदर, लेकिन वो फ्लेयर की वजह से हीट बहुत मिलता है, वार्म बॉडी हो जाता है। ओके, तो 15 अक्टूबर एंड में एक जॉब स्टार्ट होता है, और 16 मई तक ये काम ख़त्म होता है। फिर से एक 6-7 महीना मैं शिप में रुक रहा हूँ, सैलरी मेरे हिसाब से कम से कम 1-2 1.25 लाख तक तो आराम से हाथ में उठा लिया था, और वो पैसा
नॉर्मली घर से आप जब भी आते हो, आने के बाद बैंक में जाते हो, फिर सारा का सारा पैसा घर चला जाता है। मैं उसका स्टोरी में अलग है, मैं फिर कभी बताऊंगा कि मैंने काफ़ी मिस्टेक्स किए थे सैलरी के मामले में, उसके बाद में। अभी ये प्लेटफॉर्म का स्टोरी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये LEWPP का प्लेटफॉर्म था, यहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म, एक हुकअप था, एक मॉडिफिकेशन था, वहाँ पर काफ़ी काम करने थे। तो ये था प्रोजेक्ट, क्योंकि एक पुराना प्लेटफॉर्म हटा के उसे नया प्लेटफॉर्म वहाँ लगाना है, ताकि उसे जो भी प्रीवियस जो प्रोसेस चल रहा है वो कंटिन्यू हो सके। तो क्लाइमेट काफ़ी अलग, और जो शिप था वो इंडियन शिप था, टूटा फूटा भूत बंगला लग रहा था, इतना घटिया शिप, बिल्कुल कहीं से कॉकरोच निकल रहा है, कहीं से वो निकल रहा है, कहीं से ये निकल रहा है। तो जो शिप है वो काफ़ी घटिया शिप था, तो मुझे बहुत बुरा एक्सपीरियंस हो गया शिप के अंदर। 6-7 महीना काम खत्म करने के बाद फिर से हम लोग मुंबई ऑफशोर चले गए। तो जो ऑलमोस्ट काम और प्रोजेक्ट 3-4 साल का था, इसीलिए वो वन टर्म में जितना हो सके उतना हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब फिर से जाना है 2016 में, और फिर से उस प्रोजेक्ट में ले मुझे जाना पड़ेगा। तो उसका मैं वीडियो फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक हॉरर स्टोरी के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय, टेक केयर।